हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू दिस वीडियो। और अभी हम देखने वाले हैं टीओसी का बैकलॉग का पेपर। इस बार बैकलॉग का पेपर बहुत इजी आया था, बहुत इजी, और सारा का सारा मेरे नोट्स से आया था। मतलब हर बार का क्वेश्चन पेपर मेरे नोट्स के बाहर नहीं जाएगा, मैंने आपको बोल के रखा है। मेरे 50 पेज के नोट्स ले लो, खत्म है। और नोट्स कहाँ से लेने हैं पता है आपको? टेलीग्राम का हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, उसके लिए सब्सक्राइब करो और डिस्क्रिप्शन चेक करो, तो आपको टेलीग्राम का ग्रुप भी मिल जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 1 का ए, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर फॉर द लैंग्वेज। ओके, ये देखो नोट्स में कौन सा पेज नंबर है, ये पेज नंबर के साथ बोलता मैं। ये देखो पहले से 6 पेज 6 पेज नंबर पे आपको मिल जाएगा। ये देखो 10 पेज नंबर पे एक्यूरेट ये वाला क्वेश्चन है, ए आई बी जे सी के, वेर आई इज इक्वल टू जे प्लस के, सेम क्वेश्चन है। और आई इज इक्वल टू जे प्लस के वाला भी है, सभी के सभी आपको पूरे के पूरे नोट्स में मिल जाएंगे। ओके, रेड इज द फॉलोइंग ग्रामर इन ग्रीवरीज नॉर्मल फॉर्म, ये भी आपको यहीं पे मिल जाएगा। आई सी टी एस, ये तो अपने एंड सेम में आया था, इसके लिए मेरा जो टी ओ सी का क्वेश्चन पेपर है मैंने जो सॉल्व किया है वो वाला वीडियो देख लेना, उसमें आपको ये वाला क्वेश्चन, स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे इसमें ये वाला क्वेश्चन। ये देखो ये वाला भी क्वेश्चन मेरे इसमें सॉल्व है। ओके, जो पिछला वाला क्वेश्चन पेपर था, कन्वर्ट द फॉलोइंग ग्रामर टू चोम्स्कीज नॉर्मल फॉर्म, ए एस ए बी एस बी, चोम्स्कीज नॉर्मल फॉर्म का ए एस ए बी एस बी ए बी। ओके, आपको दिखाना है वही वाला क्वेश्चन दिखाऊं मैं? तो आपको मेरे नोट्स के बाहर का कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा टी ओ सी में, मैंने बोल के रखा है, इतने प्यारे नोट्स बनाए हैं मैंने। ए एस ए बी एस बी, ओके, रिमूव यूजलेस सिंबल, बाद में ये शुरू हुआ हमारा चोम्स्कीज नॉर्मल फॉर्म। और इसमें ए एस ए बी एस बी कहाँ पे है, देखो ढूंढेंगे हम ए एस ए बी एस बी, ये वाले में नहीं है। पर आपको जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था, ओके, क्वेश्चन पेपर जो हमने सॉल्व किया है उसमें ए एस ए बी एस बी वाला, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, पिछले क्वेश्चन पेपर का सेम टू सेम उठाया है। जो हमारा एनसेम को पेपर था पिछले सेमेस्टर में, उसी सेमेस्टर का इस बार बैकलॉग को आता है, समझ रहे हो? एक क्वेश्चन तो ये वाला ए रेस्टोरेंट बी रेस्टोरेंट सबसे नॉर्मल क्वेश्चन है। मैंने बोला है आपको ए रेस्टोरेंट बी रेस्टोरेंट एक करके जाना, ए रेस्टोरेंट बी रेस्टो टू एन एक करके जाना, ए रेस्टो टू एन बी रेस्टो एन एक करके जाना। तो ये तीन क्वेश्चन तो नॉर्मल क्वेश्चन है, उसमें से दो तो आ ही जाते हैं, एक तो पक्का ही पक्का है। मार्क कितने देखो, 9 मार्क, इसके लिए मार्क कितने, 9 मार्क, इसके लिए मार्क कितने, 9, इसका क्या बच्चों जैसा काम है और 9 मार्क दिए है, समझ रहे हो आप? तो ये डिजाइन पुश डाउन ऑटोमेटा टू रिकॉग्नाइज लैंग्वेज जनरेटेड बाय, ये देखो यस प्लस यस यस स्टार यस 42, ये वाले के लिए मैंने आपको क्या बोला, ये टीओसी का सबसे इजीएस्ट टॉपिक है। सबसे इजीएस्ट टॉपिक कौन सा है, टू कन्वर्ट गिवन ग्रामर इनटू पीडीए, और उसके लिए कितने मार्क है आपको, 8 मार्क है, समझ रहे हो? थोड़ा सा वॉइस आ रहा है, इग्नोर करना, कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, सॉरी फॉर दैट। एनपीडीए नहीं भी करके गए कोई बात नहीं, ये देखो यही वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है यहाँ पे। ट्यूरिंग मशीन, ये देखो टूज कॉम्प्लीमेंट आ गया फिर से, टूज कॉम्प्लीमेंट की मशीन कितनी है, इतनी है, तो वो एक करके जाना था। और ये डिजाइन पैरेंथेसिस मतलब एक तरह से, ये देखो इधर से ये ब्लैंक करना है, उधर से जाके वो ब्लैंक करना है, इधर से ये ब्लैंक, उधर से वो ब्लैंक, तो इसी तरह से पैरेंथेसिस का भी सॉल्व हो जाएगा। ये देखो सबको एम्प्टी करना है तो सबको एम्प्टी कर देंगे, ए बी एक स्ट्रिंग ले लो, ए को एम्प्टी करो, उधर बी को एम्प्टी करो, इधर ए को एम्प्टी करो, नहीं तो लाइन से कर दो, ए बी को दोनों को एम्प्टी कर दो। ओके, समझ रहे हो? हाउ ट्यूरिंग मशीन कैन यूज टू कंप्यूट फंक्शंस, ये देखो हाउ ट्यूरिंग मशीन, ये थ्योरी का क्वेश्चन आया है पूरा का पूरा, यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन रिकर्सिवली यूनिवर्सल लैंग्वेज हल्टिंग प्रॉब्लम इन ट्यूरिंग मशीन, ये थ्योरी पार्ट है। ये वाले पे भी वीडियो बना दूंगा मैं, आप वो वाले वीडियो देख लेना। पी क्लास एन पी क्लास नॉर्मल, अगेन नॉर्मल क्वेश्चन, हर बार का क्वेश्चन है। सेट प्रॉब्लम हर बार का क्वेश्चन है, एन पी कम्प्लीट हर बार का क्वेश्चन है। थ्योरी में इसके अलावा आपको कुछ नहीं पूछने वाले, तो इतना करके जाओ आपका टी ओ सी ईजिली निकल जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करो, नोट्स फॉलो करो, ये कितने 44 पेज के नोट्स है, 44 पेज में आपका पूरा का पूरा टी ओ सी हो रहा है, तो भाई इधर उधर से क्यों कोर्स वगैरह पे ज़्यादा टाइम मत लगाओ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसी वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, पीस। ट्रांसलेट सिस्टर 14 मदर 14 एवरीवन 14 इन हिंदी। मैं 14 माँ 14 हर किसी को 14। Thank you.